गुरुग्राम का कमला नेहरू पार्क इन दिनों शराबियों और ताश खेलने वाले लोगों का अड्डा बना हुआ है। लोगों को इसके चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग वॉक या एक्सरसाइज करने के दौरान यहां अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुग्राम में जहां नगर निगम और GMGA पार्कों के सौंदर्यकरणों पर जोर दे रही है, वहीं गुरुग्राम शहर का एक बड़ा पार्क कमला नेहरू पार्क में शराबियों और ताश खेलने वाले लोगों का अड्डा बना हुआ है। इस बारे में कई दफा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए इस पार्क में वॉक और एक्सरसाइज करने आते हैं, लेकिन पार्क का मिजाज कुछ शरारती तत्वों ने खराब कर रखा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। यही नहीं, लोगों को वॉक के दौरान अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। इस पार्क में महिलाएं तो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती हैं, उन्होंने सुबह और देर शाम को तो पार्क में आना ही बंद कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि उनके घर के नजदीक एकमात्र ये पार्क है जो काफी हरा भरा है, एक्सरसाइज करने के लिए अच्छा स्थान है, लेकिन शराब और ताश खेलने वाले लोगों ने इस पार्क को सुरक्षा के लिहाज से बेकार कर दिया, जिसे यहाँ आने में काफी डर लगने लगा है। फिलहाल पार्क प्रबंधन की ओर से सभी प्रयास किए गए हैं इस समस्या का समाधान हो, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। पुराने गुरुग्राम के अधिकांश लोग इस कमला नेहरू पार्क में आते हैं। वहीं इस पार्क में जिला खेल विभाग का एकमात्र स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, जहां खिलाड़ी इसमें आते हैं। लेकिन इस बीच अब गुरुग्राम का ये पार्क लोगों की सुविधाओं की जगह परेशानी बन गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ शराबियों के अड्डे बने हुए हैं, इसी के चलते पार्क में आना तक छोड़ दिया है। लोगों को परेशानी होती है, शरारती तत्वों पर नकेल नहीं कसी जा रही है, जिसके कारण लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस रूप ले चुका है और शायद इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और लोगों को थोड़ा असर तो पड़ेगा। तो बच्चे देखेंगे, उनके घर से परिवार से कोई एक एक मेंबर भी आएगा तो पूरे समाज को असर तो पड़ेगा। क्या लगता है पार्क में खेलना कितना सही है? पार्क में खेलने के लिए थोड़ी स्पेशल जगह होनी चाहिए, बाकी घास वगैरह पेड़ वगैरह बर्बाद ना करें बच्चे। पार्क में क्या, किस लिए पार्क बनाए जाते हैं? पार्क होता है शहर के लिए और थोड़ा बच्चों के मनोरंजन के लिए भी, तो उनके लिए झूले वगैरह हैं, झूलों की तो कमी नहीं है। ताश खेली जा रही है, और आने वाली पीढ़ी पे क्या असर पड़ रहा है? असर यही पड़ेगा भाई, बच्चे भी फिर आके यहाँ स्कूल से भाग भाग के भी आ जाते हैं, बहुत से तो पढ़ाई नहीं करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा, लेकिन दो कंप्लेंट और हैं। एक तो स्लो स्पीड से ये पटड़ियाँ फोड़ दी हैं, ये नहीं कि एक साइड से फोड़ दें दूसरे साइड से बनाना चालू कर दें, तो ये बखेर के ताम झाम बहुत गड़बड़ कर दिए हैं, सैर करने वालों के लिए परेशानी बनी हुई है। दूसरा, ये पानी का अरेंजमेंट पूरा नहीं है, पब्लिक को रोज पानी नहीं मिलता। ये काफी समय से चल रही है ताश खेलने की परंपरा। तो क्या आपने अपने अधिकारी को बताया? अधिकारी के बुजुर्ग लोग बैठते हैं, बुजुर्ग लोग खेलते हैं, इसी वजह से बताया कि ऐसे यहाँ पे ताश खेला जाता है। मैंने तो अभी तक किसी को बताया नहीं। कितने लोग इस समय ताश खेलते हैं या हर समय यहाँ खेलते रहते हैं, या लोग सैर करने के लिए आते हैं या क्या करना है? सैर करने भी आते हैं शाम के टाइम, सुबह शाम सैर करने वाले आते हैं, दिन में बाकी लोग ताश खेलते हैं। एक बार नाम बता दीजिए। हमने पूछा यहाँ पर, पूछा था ये बताया कि आप पार्क में यहाँ पर बैठे हो, किस तरह का माहौल देखते हैं? मैं फर्स्ट टाइम इस पार्क में आई हूँ, मेरे को सबसे बेकार माहौल लगा। हम एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ लड़के आए ड्रिंक करते, मिसबिहेवियर कर रहे थे, हम दो बार उठ के जा भी चुके थे। फिर ये भैया थे, इन्होंने बाहर पुलिस वालों को जाके बुलाया, फिर हम इधर आके बैठे, तो पुलिस वाले ने आके पूछा मिसबिहेवियर कर रहे थे, फिर हमने उन लोगों से बोला, तब वो लोग गए। तो क्या देखते हैं, सुरक्षा नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहोगे इस व्यवस्था पर, जिस तरह से ताश खेल रहे हैं लोग, या इस तरह आप कह रहे हैं इस तरह का स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए? खुशबू, आप पार्क में देखते हैं किस तरह का माहौल है, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिस तरह के लोग यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता, शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, कोई जाए भी ना तो डर लगता है कि कोई मिल ना जाए सामने। एक तो लाइटनिंग नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, इस साइड से तो बहुत अंधेरा होता है, डर लगता है जाने में भी, और दोपहर के टाइम आया तो यहाँ लोग भरे होते हैं, बच्चे कम। किस तरह
कोई कार्ड्स खेल रहा होता है, कोई ड्रिंक करके बैठा होता है, कोई बात कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन को, इन चीजों को खाली कराए? ये बच्चों का पार्क है, बच्चों को लाया जाए। यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, बच्चे कम आते हैं। पार्क से गुजर रहे हो, पार्क में आए हो घूमने, तो यहाँ कैसा माहौल देखते हैं? क्या आप ऐसा सुरक्षित महसूस करते हैं? देखो जगह जगह जैसे लोग ताश खेल रहे हैं, लोग शराब पी के घूम रहे हैं, तो कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे जिस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और यहाँ पे मतलब क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का क्या देख आप, क्या नजर आ रहा है? पार्क के एनवायरनमेंट में सबको खेलना चाहिए, और आई मीन बच्चे भी होने चाहिए यहाँ पे, बच्चे कम बड़े ज्यादा। और मतलब शाम के टाइम का माहौल, लाइक हाँ रात में यहाँ पे कोई ना तो लाइटिंग की कोई प्रॉपर है, ना तो यहाँ पे पार्क ढंग से बने हुए हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? नहीं, वजह यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है।